इस देश में जब जब कांग्रेस पार्टी को और खास करके इस परिवार को अपनी कुर्सी जाने का संकट महसूस हुआ है, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है कि देश संकट से गुजर रहा है, देश में भय का माहौल है, देश तबाह हो जाने वाला है और सिर्फ हम ही बचा सकते हैं। और इसीलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, सुभाष बाबू जैसे महापुरुष आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की इतनी लंबी सुदीर्घ यात्रा, वो कौन सी मानसिकता होगी जिसने सत्ता सुख के लिए अपनी स्वयं की कांग्रेस पार्टी के टुकड़े कर दिए हो। ऐसे लोगों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा कैसे हो सकती है? और जिस दिन स्वसुख के लिए स्वयं के दल को तबाह कर दिया गया, उसी दिन संकेत मिल चुके थे कि इनके लिए परंपराएं, मूल्य, देश, लोकतंत्र, संविधान कोई मायने नहीं रखता है।